असम मेघालय बॉर्डर पर आज सुबह फायरिंग की घटना के बाद भड़की हिंसा में 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने लकड़ी की तस्करी कर रहे ट्रक को रोका था, जिसके बाद झड़प हुई। घटना के बाद मेघालय सरकार ने अगले 48 घंटे के लिए 7 जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी है। आफ्ताब के घर के अंदर लगी टाइल्स से CFSL को अहम सबूत हाथ लगे हैं। इससे पहले FSL को भी रसोई से कुछ खून के धब्बे मिले थे। अब CFSL को टाइल्स के बीच के गैप से बेहद अहम सबूत मिले हैं, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई संसद ने आज भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को मंजूरी दे दी है। अब दोनों देश आपसी सहमति से फैसला करेंगे कि यह समझौता किस तारीख से लागू होगा। भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 मैचों सीरीज का आखिरी मैच टाई रहा। इस तरह टीम इंडिया ने सीरीज 1-0 से अपने नाम कर दिया। दरअसल इस सीरीज का पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था। गुजरात से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजर रही है। इस दौरान नर्मदा बचाओ आंदोलन की संस्थापक मेधा पाटकर के इसमें शामिल होने को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर हमला बोला है। रूस और यूक्रेन के बीच 24 फरवरी से जंग जारी है और अभी तक दोनों देशों के बीच किसी भी मुद्दे पर सहमति नहीं बनी है। एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं, जो किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों के पसंदीदा शो में से एक है। इसी शो की एक पॉपुलर एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता उर्फ बबीता जी का जर्मनी में एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया है। इस घटना की वजह से अभिनेत्री घायल हो गई है। केजरीवाल की सरकार केजरीवाल का पार्षद टीम के साथ 23 नवंबर से आम आदमी पार्टी MCD चुनाव प्रचार का दूसरा चरण शुरू करने जा रही है। 1000 नुक्कड़ सभा, डांस फॉर डेमोक्रेसी, नुक्कड़ नाटक, गिटार शो, मैजिक शो जैसी गतिविधियों के माध्यम से आप MCD चुनाव प्रचार को तेज करेंगी। एक रिसर्च के अनुसार वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ब्रूस ली की मौत का कारण कोई बीमारी नहीं, बल्कि उनकी जान ज्यादा पानी पीने से गई थी। अध्ययन के मुताबिक ज्यादा मात्रा में पानी पीने, कुछ दवाएं खाने और शराब पीने के कारण उनका शरीर हाइपोनेट्रेमिया का शिकार हो गया था। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट अपने 10,000 कर्मचारियों की छटनी करने जा रही है। मेटा, अमेजन, ट्विटर और सेलफोर्स के बाद अल्फाबेट की छटनी करने की बारी है। गुजरात में अब विधानसभा चुनाव के मतदान के लिए कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे भी सभी राजनीतिक दल चुनावी प्रचार में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। इसी को लेकर आज बीजेपी राज्य के दूसरे चरण वाली सभी 93 सीटों पर रैलियां करेगी। बीते दिनों सतेंद्र जैन का जेल के बैरक से एक वीडियो सामने आया था, जिसमें एक शख्स उनको मसाज देता दिख रहा था। अतिहार जेल के सूत्रों से पता चला है कि वो शख्स कोई फिजियोथेरेपिस्ट नहीं, बल्कि वो तो रेप के केस में सजा काट रहा एक कैदी है। एलन मस्क ने ऐलान किया था कि ट्विटर के वेरीफाइड अकाउंट को हर महीने $8 चुकाने होंगे, लेकिन अब मस्क ने ट्विटर के ब्लू टिक वेरिफिकेशन प्लान को लेकर बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि वह कब इस प्लान को रिलीज कर सकते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बुधवार से मध्य प्रदेश में 4 दिनों के लिए भारत जोड़ो यात्रा में भाई राहुल गांधी के साथ शामिल होंगी। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार सुबह ट्वीट कर यह जानकारी दी। SS राजामौली के RRR ने बॉक्स ऑफिस पर भी रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है। ऐसे में RRR के सीक्वल को लेकर भी एक बस बना हुआ है। इस बीच RRR के लेखक और SS राजामौली के पिता KV विजेंद्र प्रसाद ने फिल्म के पात्र को लेकर चर्चा की।